जा रहे हैं गोड्डा के एक नए एडवेंचरस जगह पे। और अगर अभी तक आप लोग मेरे पीछे रास्ते को देख करके गेस नहीं कर पाए हैं तो दिल थाम के बैठिए, गेस करते रहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं। और जो भी है वो गोड्डा का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है। आज हम जा रहे हैं वहाँ पे, देखेंगे वहाँ पे, आपको घुमाएंगे और वहाँ की सारी बेहतरीन चीजें दिखाएंगे। लास्ट ब्लॉग आपने देखा था हमारा रेलवे स्टेशन, आज हम कुछ आपको नया दिखाएंगे। तो दिल थाम के बैठिए और बने रहे हमारे ब्लॉग में, देखने वाले हैं हम कुछ एक्साइटिंग ब्लॉग आज का। और आपको मेरा रास्ता जो है मेरे पीछे बहुत ही खूबसूरत लग रहा होगा। सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अगर मेरे पीछे आप लोग ये घास फूस झाड़ी पेड़ पौधे ये सब देख करके आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो थोड़ा सा और रुकिए, थोड़ा सा और वेट कीजिए, धीरे 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 पता चल ही जाएगा। वैसे जो कुछ लोकल लोग हैं जो एकदम विशेष प्रकृति के प्रवृत्ति के घूमने के शौकीन लोग हैं, जो घूमना फिरना पसंद करते हैं, जो आना जाना पसंद करते हैं, जो चीजों को एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, उनको अंदाजा किया, उनको पता चल गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। सो जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता देते हैं कि आज हम आए हैं गोड्डा के एक लौते, एकदम मांगे हुए, अवतरित हुए, बड़े ही मिन्नतों प्रयत्नों के बाद एक लौते पार्क जिसका नाम है बायोडायवर्सिटी पार्क, जो कि गोड्डा में है, सरकंडा गोड्डा कॉलेज के पास स्थित है ये पार्क। और लॉकडाउन के बाद, काफी टाइम के बाद, करीब 2 साल के बाद ये पार्क जो है खुला है, लगभग 2 साल के बाद। तो देखिए मेरे पीछे आप जो है भीड़ देख पा रहे होंगे, एक्साइटमेंट देख पा रहे होंगे। ये देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे, ये रास्ता है, ये जो है ना लॉकडाउन के बाद इसका सकल सूरत ही पूरा बदल गया है इस पार्क का। इधर आप लोग देख पा रहे होंगे पॉली हाउस है, हम सब चीज आपको एक एक करके दिखाएंगे। ये पूरा यहाँ नेट से लगा हुआ, पूरा दूर तक जो है ना अंदर में रोज प्लांटेशन है, पूरा जो है गुलाब का क्षेत्र है ये इस साइड में। मैं आपको दिखाती हूँ, ये पूरा अंदर है, हम अंदर जाकर के देखेंगे अंदर। हालांकि आप देख रहे होंगे बहुत बहुत ज्यादा घास है और ये घास जो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सुनाई होगा, मैंने पहले भी कई बार बताया है, खूबसूरती अक्सर खतरनाक होती है। तो जितना ये पार्क खूबसूरत है ना, उतना ही यहाँ पर जो है ये जंगल और साफ सफाई ना होने के कारण जो है ना पूरा झाड़ी से भर गया है और यहाँ सांपों का जाल है पूरा। यहाँ अभी भी टूरिस्ट का अट्रैक्शन उतना ज्यादा गोड्डा में नहीं हो पाया है क्योंकि इकलौता पार्क है। अगर देखा जाए तो यहाँ बहुत भीड़ होनी चाहिए, पर उस हिसाब से जो है यहाँ पर बिल्कुल भी भीड़ नहीं होती है और बिल्कुल खाली खाली मिलेगा आपको। थोड़ा बहुत जो है बच्चे आते हैं और कुछ यंगस्टर्स आते हैं क्योंकि यहाँ पे ये एक स्पॉट बना हुआ है। अभी फिलहाल चारों तरफ जो है ये, पहले जब हम आए थे लॉकडाउन के पहले तो हल्का हल्का घास हुआ करता था, बैठने की जगह हुआ करती थी, पर अभी ये जो है पूरा जंगल जैसा लग रहा है, झाड़ है और पूरा साफ सफाई की जरूरत है यहाँ पे। ये मेरे पीछे जो है आपको ये फिश के शेप का यहाँ पे चेयर दिख रहा है। इस तरह से इस पूरे पार्क में बहुत नई नई डिजाइन के जो है पत्थर से, सीमेंट से जो है चेयर बनाया गया है, सिटिंग एरिया बनाया गया है, जो कि बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव है और अपने आप में फील गुड आता है, देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोग देखिए ये फिश का शेप है, अच्छा सा चेयर है, बैठने में बहुत मजा आ रहा है। लाइक जरूर कीजिएगा। हमारा वुडन फ्लोरिंग, अगर समझ रहे हैं तो एकदम गलत, ये सीमेंट का है, खाली वुडन कलर किया हुआ है, लकड़ी का नहीं है, ये सीमेंट का है। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ के बगीचे की लकड़ियों से ये बनाया गया है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और बैठने में बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक रॉयल लुक दे रहा है। अगर आप आए ऐसी कुर्सियों का आनंद जरूर लें, बैठे, ये यहाँ की खासियत है। एक बार फिर से ये स्टाइलिश लुक वाला डस्टबिन, अभी ये डस्टबिन पता चला है, पहले डस्टबिन नहीं था, पहले ये जो है डोनाल्ड डक था,
ये डोनाल्ड डक महोदय जो है इनको बच्चे बड़ा ही पसंद करते हैं और वो बच्चे जो है वो यहाँ आकर के खेल क्रीड़ा करते थे और इसको कोई खेलने की वस्तु समझते थे। सो फ्रेंड्स, काफी दिनों के बाद हम यहाँ आए हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत बहुत ज्यादा लुक जो है चेंज हो चुका है यहाँ पे। इस मेन जो यहाँ बायोडाइवर्सिटी पार्क है ना, यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट जो है बहुत ज्यादा है। ये जो आप मेरे बगल में देख पा रहे होंगे, बहुत से लोग इसे पहचानते भी होंगे या कमेंट करके बताएं। और अगर जानना चाहते हैं तो मैं बता दूं, ये लेमन ग्रास है। लेमन ग्रास जो है इसका मेडिसिनल बहुत ज्यादा वैल्यू है। इससे तेल निकलता है, इससे इसके फ्रेग्रेंस जो है यूज किए जाते हैं। और यहाँ गांव में ज्यादातर लोग जो है इसका इस्तेमाल बस इतना ही जानते हैं कि इसकी पत्तियों को तोड़ करके जो है चाय में डाला जाता है और नींबू जैसा टेस्ट आता है। तो ये भी एक अच्छा है। तो जिनको नहीं पता है, जो इसका इतना सा इस्तेमाल जानते हैं, तो हमारे इधर जो है ज्यादातर इसका इस्तेमाल चाय में डालने के लिए किया जाता है। बट अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो बहुत बहुत ज्यादा यूज है इसका। मेडिसिनल प्लांट है ये, और इसको जो है डिस्टिलेशन होकर के इसका ऑयल निकाला जाता है और फ्रेग्रेंस के तौर पर इसे यूज किया जाता है काफी ज्यादा मेडिसिन में, शैम्पू, साबुन, इन सारी चीजों में, परफ्यूम जो है उनमें यूज किया जाता है। अब देखिए, अब मैं आपको कुछ नया और दिखा रही हूँ। ये भी यहाँ पर जो है ना, एक तरह से एक्सपेरिमेंटल एरिया है ये। ये देखने में वर्मी कंपोस्ट जैसा लग रहा है। तालाब तभी नहीं बना हुआ था, अभी यहाँ छोटा सा तालाब भी बन गया है। अब मुझे लगता है फिशिंग वगैरह यहाँ पे फिशिंग भी किया जाएगा, क्योंकि जैसे नाम ही है बायोडाइवर्सिटी पार्क ऑफ गोड्डा, तो यहाँ पे जो है जैव विविधता दिखाया जा रहा है। फिर से एक डिफरेंट लुक वाला मगरमच्छ के मुंह वाला डस्टबिन आपके पास है यहाँ पे। चलिए हम अंदर जो है प्रवेश लेते हैं और ये देख के दिल खुश हो रहा है। सो हियर वी आर। ये है हमारा मेन पार्क, जो मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस पूरे पार्क का। लोग यहाँ बैठना ज्यादा पसंद करते हैं। वो तो था रास्ता, ये है मंजिल। ये लास्ट हो गया पार्क का। ये आप देख पा रहे होंगे सिटिंग एरिया है, हट्स वगैरह ऐसा शेप में बना हुआ है बैठने का, और लोग खेल क्रीड़ा वगैरह कर रहे हैं। काफी सारे बच्चे हैं और यंगस्टर्स भी आते हैं, मजा आता है। देखिए यहाँ पे कमल जो है यहाँ लगा हुआ है और कितने खूबसूरत फूल हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत खूबसूरत फूल हैं। हाय, ये है यहाँ का फूल, छोटा सा और क्यूट सा। पूरा गार्डन आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोग हैं, बच्चे आए हुए हैं काफी सारे। तो भीड़ के नाम पे बस यही है, कोई भीड़ भड़का नहीं है, आराम से आ सकते हैं, बैठ सकते हैं। और यही जो है एकदम शांत जगह है, पूरा लंबा चौड़ा बहुत सारा स्पेस है। और मेरे पीछे जो है आप ये आसमान देख पा रहे होंगे। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर हम चल के थोड़ा सा थक गए हैं। और अगेन ये भी गोड्डा का एक ऐसा स्वीट हार्ट है जो यहाँ पे की खाने के लिए कुछ नहीं है। कच्छ के रण में जो है स्पेशल पाया जाता है जेब्रा, ये वही जेब्रा है। लेकिन इसके नीचे जो है ना, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऊपर चढ़ना मना है। लेकिन ऊपर कोई, यहाँ के लोगों का ना महानता देखिए, इसके कान को उखाड़ दिया है। असली में तो हिम्मत नहीं है, तो इसी में कर लेते हैं। अरे अरे देखिए, ये वाला जो पाथ है ना, ये मेनली यहाँ जॉगिंग ट्रैक है। बगल में रोड है, बहुत शोर शराबा आ रहा होगा, उसके लिए सॉरी। लेकिन ये जो पाथ है यहाँ पे मजा ही अपना है। चलिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे जो है पॉली हाउस है। पॉली हाउस के अंदर जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैक्टस है, तो बहुत अलग अलग तरह के कैक्टस आपको देखने को मिलेंगे। लगभग सारी प्रजाति जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये भी कैक्टस है,
बहुत अलग अलग शेप में, साइज में, जो कि आपने यहाँ आसपास कहीं नहीं देखा होगा। तो ये पूरा पॉली हाउस है, इसको मेंटेन किया गया है और हम यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे 4-5 रो बना हुआ है ये, और इसमें जो है अलग अलग तरह के कैक्टस हैं। तो हम यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ बहुत बहुत ज्यादा गर्मी है। देखिए इसमें फ्लावर, ये भी कैक्टस का ही टाइप का एक प्लांट है, इसमें काफी अच्छा फूल जो है खिला हुआ है, काफी खूबसूरत है। और ये क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता चल रहा है, बट जो भी है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है देखने में। अगर आपको नाम पता है तो मुझे जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, इसमें भी देखिए कांटे हैं, कांटा है।